डॉक्टर नीलम जुनेजा सहचर्य इतिहास राजकीय महाविद्यालय श्री करणपुर महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर आप सबका अभिनंदन करते हुए आज मैं बी ए पार्ट थर्ड विषय इतिहास पेपर फर्स्ट के अंतर्गत आपको आंग्ल मैसूर युद्धों के बारे में बताना चाहती हूँ। अंग्रेजों उन कहते हैं कि मैसूर राज्य के बीच में 4 युद्ध लड़े गए। प्रथम 2 युद्ध जो थे वो हैदर अली के समय में हुए और अंतिम 2 युद्ध जो थे वो टीपू सुल्तान के समय में जो थे हुए। आज हम तीसरे युद्ध के बारे में आपको बताएंगे कि और तीसरा युद्ध ये 1790 और 92 के बीच में अंग्रेजों और मैसूर राज्य के बीच में हुआ। उस समय मैसूर के राजा जो थे वो टीपू सुल्तान थे और इतिहास से ये पता लगता है कि अंग्रेजों के बीच में और मैसूर राज्य के बीच में जो तीसरा युद्ध हुआ इसके पीछे कारण ये था कि अंग्रेज जो थे वो महत्वाकांक्षी थे और भारत के राज्यों पर अपना अधिकार करना चाहते थे और वो मैसूर राज्य को भी अपने राज्य का अंग बनाना चाहते थे। द्वितीय युद्ध के पश्चात उन्होंने अंग्रेजों ने मैसूर राज्य के साथ मंगलोर की संधि की, लेकिन ये संधि जो थी ये कोई कहना चाहिए कि अंतिम संधि नहीं थी और इसके बाद कुछ समय तक तो शांति रही, लेकिन इसके बाद फिर युद्ध की स्थिति जो थी उत्पन्न हो गई। अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान के राज्य मैसूर के ऊपर आक्रमण किया और जिस समय ये युद्ध हुआ उस समय लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे वो भारत के अंतर्गत गवर्नर जनरल थे और उन्होंने भारत के राज्यों के अंतर्गत मैसूर को जीतने के लिए उन्होंने मराठे और निजाम जो दक्षिण की 2 अन्य शक्तियाँ थी उनके साथ उन्होंने समझौता जो था कर लिया और उन पर समझौता करने के बाद उन्होंने युद्ध करने का क्या था निर्णय किया और 1792 के अंतर्गत लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अपनी सेनाओं को युद्ध करने के उद्देश्य से उन्होंने मैसूर राज्य की ओर जो था भेज दिया। अंग्रेजी सेना ने वेलूर अम्बूर और मैंगलोर को जीतने के बाद श्रीरंगपट्टम को जो कि मैसूर की राजधानी थी उसे घेर लिया और उसे घेरने के बाद कहते कि उन्होंने टीपू के राज्य पर अधिकार करने के लिए युद्ध को जारी जो था रखा और कहते कि जब टीपू सुल्तान को अपनी असफलता या पराजय के आसार दिखाई देने लगे तो उसने अंग्रेजों के साथ संधि कर ली जिस संधि को इतिहास में श्रीरंगपट्टम की संधि के नाम से जाना जाता है और ये संधि जो थी 1792 में हुई। इस संधि के अंतर्गत कई शर्तें तय की गई। पहली शर्त के अनुसार टीपू सुल्तान ने अपने राज्य का आधा भाग अंग्रेजों को जो था देना स्वीकार किया और दूसरी शर्त के अनुसार टीपू सुल्तान ने हैदर अली के समय में जो अंग्रेजों के युद्धबंदी यानी कि बनाए गए थे उनको रिहा करने का वचन दिया और तीसरा क्षतिपूर्ति के रूप में उसने 3 करोड़ रुपए हर्जाने के रूप में देने का आश्वासन दिया और चौथी शर्त के अनुसार टीपू ने अपने 2 पुत्र मोइज़ुद्दीन और अब्दुल खलीक जो थे उसे अंग्रेजों के पास अमानत के रूप में रखना स्वीकार किया और इस प्रकार लॉर्ड कॉर्नवालिस ने श्रीरंगपट्टम की संधि के दौरान बहुत सा मैसूर का हिस्सा जो था उस पर अधिकार कर लिया और इससे अंग्रेजों की शक्ति जो थी सुदृढ़ हो गई और मैसूर राज्य को काफ़ी हानि जो थी उठानी पड़ी। कॉर्नवालिस ने इसके बारे में लिखा है, हमने अपने शत्रु को लगभग पंगु बना दिया तथा उसके सहयोगी जो थे उनको यानी शक्तिशाली भी जो था नहीं होने दिया और इससे के कुछ बात को समय तक शांति रही, लेकिन टीपू सुल्तान जो थे उन्होंने इस युद्ध के बाद अपनी शक्ति को बढ़ाना शुरू किया और जिसके अंतर्गत उन्होंने नए नए हथियार बनवाए, राइफल बनाने की फैक्ट्री स्थापित की और फ्रांसीसियों के साथ उन्होंने संपर्क स्थापित किया और नौसेना बोर्ड का उन्होंने गठन जो था किया और इसके परिणाम स्वरूप कुछ स्थिति ऐसी उत्पन्न हो गई कि अंग्रेज और मैसूर राज्य में अंतिम यानी चौथा युद्ध लड़ा गया जो 1799 में हुआ और ये क्यों हुआ इसके भी कई कारण थे। इतिहास से ये पता लगता है कि तीसरे युद्ध के बाद मैसूर राज्य की शक्ति जो थी कमज़ोर हो चुकी थी और अंग्रेज उसके ऊपर अधिकार करना चाहते थे और दूसरा कारण ये था कि अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान के साथ जो संधि की और कहते कि उस संधि जो कि उससे टीपू सुल्तान को बहुत नुकसान हुआ और टीपू जो था वो इसको कभी भी नहीं भुला पाया। वो अंग्रेजों से अपनी प्राज्य का बदला लेना चाहता था इसलिए उसने तैयारियां करनी शुरू कर दी और तीसरा कारण ये था कि अंग्रेजों से बदला लेने के लिए
टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसियों के साथ संपर्क स्थापित किया और उन्हें अपनी सेना में भर्ती किया। ये अंग्रेजों को अच्छा नहीं लगा। और चौथा कारण ये भी माना जाता है कि दोस्तों के बीच में युद्ध इसलिए हुआ क्योंकि बेलेजली ने भारत में आते ही कहते कि उन्होंने मैसूर पर अधिकार करने के लिए उन्होंने शक्ति को बढ़ाना जो था शुरू कर दिया। और इसका पता जब टीपू को चला तो इससे उसके मन में अंग्रेजों के प्रति कहना चाहिए कि विरोध की भावना उत्पन्न हुई और ये भी युद्ध का कारण बना। और कारणों में हमें एक कारण ये भी माना जाता है कि वेलेजली ने युद्ध करने से पहले उसने निजाम और मराठों को अपने साथ मिला लिया ताकि मैसूर राज्य को यानी कि अकेला जो है छोड़ दिया जाए। और इसके बाद कहते कि युद्ध का बहाना चाहिए था तो वेलेजली ने टीपू सुल्तान के पास सहायक संधि का प्रस्ताव भेजा लेकिन टीपू ने उसे मानने से इनकार कर दिया। और इसके कारण दोनों के बीच युद्ध होना आवश्यक या अनिवार्य जो था हो गया। लॉर्ड वेलेजली ने युद्ध करने के लिए अपनी विशाल सेना के साथ श्रीरंगपट्टम या मैसूर राज्य के ऊपर आक्रमण किया। और इस युद्ध के अंतर्गत 5 मई 1799 के अंतर्गत टीपू सुल्तान युद्ध करते हुए मारा गया और अंग्रेजों ने मैसूर राज्य पर अधिकार जो था कर लिया। और मैसूर पर अधिकार करने के बाद कहते कि अंग्रेजों ने टीपू के महल और इसके अलावा वहाँ के भवन जो थे उनको बहुत लूटा। और टीपू के समय का जो पुस्तकालय था जिसमें 2000 से अधिक हस्तलिखित ग्रंथ थे उन्हें नष्ट कर दिया गया। और कहते कि टीपू की राजधानी के अंतर्गत कहते कि जो अंग्रेज अधिकारी थे उन्होंने भी बहुत लूटमार की। और इस लूटमार में वेलेजली को 1200 करोड़ के जवाहरात और 7000 पौंड की रोकड़ प्राप्त हुई। और उसके अतिरिक्त उसके अधिकारियों ने जो लूटमार की उसकी भी बहुत सी निंदा जो है की जाती है। लेकिन इससे ही स्पष्ट होता है कि ये चौथा युद्ध अंतिम युद्ध था। इससे अंग्रेजों ने मैसूर पर अधिकार जो था कर लिया। लेकिन मैसूर पर अधिकार करने के बाद अंग्रेजों ने जो निर्णय लिया वो इस प्रकार था। इतिहास से ये पता लगता है कि यद्यपि अंग्रेज मैसूर को जीत चुके थे और लॉर्ड वेलेजली चाहता तो इसे अंग्रेजी राज्य में या कंपनी में सम्मिलित कर सकता था लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। और ऐसा करने से निजाम और मराठों के विरोध की संभावना थी इसलिए वेलेजली ने कूटनीति का कार्य करते हुए उसने श्रीरंगपट्टम कोयम्बटूर और धारापुरम के जो क्षेत्र थे उस पर तो कंपनी ने अपना अधिकार कर लिया। घूटी और चित्रदुर्ग जो थे वो निजाम को दे दिए गए। मराठों को उत्तर पश्चिम के कुछ प्रदेश देने का प्रस्ताव किया लेकिन पेशवा ने उसे लेने से इनकार कर दिया। और इस पर भी अंग्रेजों और निजाम ने अपना अधिकार जो था कर लिया। और मैसूर का जो शेष भाग जिसे मध्य मैसूर कहा जाता है और उस पर कहते मैसूर के जो प्राचीन हिंदू राजवंश था जिससे हैदर अली ने मैसूर की सत्ता को हासिल किया था उसके वंशज कृष्ण राजवड़ियार तृतीय जिनकी आयु मात्र 2 वर्ष की थी उनको वहाँ का क्षेत्र जो था दे दिया गया। और कृष्ण राज के साथ एक संधि की गई जिसे सहायक संधि कहते हैं उसके अनुसार उसने कंपनी को 22 लाख वार्षिक खिराज देना स्वीकार किया और मैसूर राज्य में एक रेजिडेंट जो था उसे भी नियुक्त किया गया। और टीपू के 2 पुत्र जो थे उन्हें बंदी बनाकर कलकत्ता जो था भेज दिया गया। इस प्रकार अंग्रेजों ने अपनी साम्राज्यवादी नीति के अंतर्गत मैसूर को अपने राज्य में सम्मिलित कर लिया यानी उस पर अधिकार जो था कर लिया। धन्यवाद।